हाय, आज मैं एक नया रेसिपी लेके आई हूँ आपके पास। आज मैं बनाऊंगी ड्रमस्टिक का सब्जी। तो आप लोग देखिए, मैंने ये ड्रमस्टिक लिया है, इसको अभी मैं साफ करूंगी अच्छे से। देखिए इस तरीके से इसे साफ किया जाता है। मैं इसी तरीके से सारे ड्रमस्टिक को साफ कर लूंगी पहले। देखिए सारा मैंने साफ कर लिया, इतना इसका छिलका निकला है। इस तरीके से इसे साफ कर लेना चाहिए पहले। अब इसके लिए मैं मसाला रेडी करती हूँ। अदरक लहसुन, हरे मिर्च, एक टमाटर, जीरा थोड़ा, धनिया और काली मिर्च, ये सारे चीज़ को मैं अब पीस लूँगी अच्छे से। टमाटो को भी इसी में डाल के मैं पीसूंगी। देखिए अच्छे से मैंने पीस लिया सारे मसाला को। अब चले बनाते हैं। इसके लिए मैंने ऑयल डाली हूँ, देखिए इतना ऑयल डाली हूँ मैंने, लगभग 2 चम्मच है बड़े चम्मच का। अब इसमें मैं डालूंगी तेज़पत्ता और जीरा, गोटा जीरा, इसे मैं थोड़ा भून लेती हूँ। अब इसमें जो पीस के रखी हुई मसाला थी उसे मैं डालूंगी इसमें। अब इसमें मैं हल्दी डालूंगी। अब ये सारे चीज को मैं अच्छे से भून लूंगी उस टाइम। देखिए अच्छे से भून लिया मैंने मसाला को। अब मैं इसमें ड्रमस्टिक को डालूंगी, इसे भी अच्छे से मैं भून लूंगी। अब नमक डालूंगी स्वाद अनुसार। अब इसे मैं 5 मिनट ढक के पकाऊंगी अच्छे से। कम आंच में पका रही हूँ इसे मैं, धीमे आंच में। देखिए अच्छे से मैंने सजना को ड्रमस्टिक को भून लिया है। इसे हम लोग सजना बोलते हैं। अब इसे पकने के लिए मैं 1.5 कप पानी डालूंगी इसमें। ड्रमस्टिक को अच्छे से गलने के लिए मैं 1.5 कप पानी डालूंगी। अब मैं इसे पानी सूखने तक पकाऊंगी इसे अच्छे से ढक के। देखिए सारा पानी सूख चुका है। देखिए अच्छा से पक चुका है ड्रमस्टिक। अब ये बन चुका है लगभग। अब इसे मैं निकाल लूँगी। देखिए इस तरीका से आप लोग भी बना के खाइए, बहुत ही टेस्टी बनता है। आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर नए वीडियो के साथ मिलूँगी। बाय बाय।